हेलो नमस्कार, मेरा नाम अमन जेटली है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और अभी प्रेजेंटली मैं मुंबई में एज एन एक्टर हूँ। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया प्रयागराज न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। और इस इंटरव्यू का जो मेन मोटिव है वो ये है कि अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई हुई है जिसका नाम है ममफोड़गंज की बिन्नी। जी हाँ, प्रयागराज अपना ममफोड़गंज एरिया के ऊपर वो है जिसमें मैंने कैरेक्टर निभाया शंकर भैया का, और जो कि आप लोग सब देखिएगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, पारिवारिक वेब सीरीज है, बहुत मजा आएगा। रोमांस है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, सब कुछ है उसमें। तो प्रयागराज की जहां तक बात है, प्रयागराज से मैं पला बड़ा और स्कूलिंग मेरी प्रयागराज से हुई। 12th तक मैंने BHS से पढ़ाई करी, फिर उसके बाद एकेडमिकली मैं बनारस से मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरे फादर का नाम प्रोफेसर अजय जेटली है जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मेरी मदर श्रीमती जया जेटली हैं और उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस से मैंने BHU में क्रैक किया फाइन आर्ट्स में। मैं फाइन आर्ट्स 4 साल मैंने वहाँ BHU से फाइन आर्ट्स किया। फाइन आर्ट्स के दौरान ही मैंने थिएटर किया, थिएटर एक्टिंग मैंने की पैरेलली। 4 साल लगातार मैंने वहाँ पे बनारस में रहते हुए थिएटर कंटिन्यू किया। और वहाँ पे जो मेरे गुरु थे थिएटर के, प्रोफेसर गौतम चैटर्जी, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, इन लोगों के साथ मैंने प्ले किए लगातार 20-25 प्लेज अलग अलग किए, बहुत सारे शोज किए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करते करते मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में पहुंचा। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने MA किया TV एंड फिल्म प्रोडक्शन से। और हाँ, ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं FTI फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के लिए भी पुणे गया। वहाँ से मैंने फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया पुणे से। फिर करते 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 नेशनल्स मैंने पंजाब से किए, पंजाबी यूनिवर्सिटी से। फिर बहुत सारे शोज, थिएटर ओलंपिक्स में मैंने पार्ट लिया, भारत रंग महोत्सव में मैंने पार्ट लिया। और सत्यव्रत रॉथ सर हैं जो NSD के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मिलके पूरे इंडिया सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। मतलब 2011 से 2020 तक की एक रंगमंच की बहुत अच्छी जर्नी रही। फिर मैं 2017-16 में मैं शिफ्ट हुआ मुंबई, और अभी मुझे लगभग 2-3 साल मुंबई में हो चुके हैं। और धीरे धीरे मैं टेलीविजन सीरियल्स मैंने कुछ किए, स्टार प्लस, जी टीवी, स्टार प्लस मेरे अंगने में, भूतू जी टीवी पे, क्राइम पेट्रोल, बम्बई 4x4 एक शॉर्ट फिल्म की, और वर्डिक किया ऑल्ड बालाजी पे एक वेब सीरीज थी। ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ काम किए। हाँ, लास्ट ईयर एक थोड़ा सा अच्छा अचीवमेंट मिला, सलमान खान सर के साथ मैंने बिग बॉस सीजन 12 का शूट किया। बिग बॉस सीजन 12 का जो है वो प्रमोशन शूट था, उसमें सलमान खान सर के साथ ऑल इंडिया होर्डिंग लगी थी बिग बॉस की प्रमोशन, जो कि सारे वेबसाइट्स पे लगी थी और हर जगह उसका प्रमोशन था। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और फिर एक धीरे से चीज़ें आई और आती गई आती गई। एक बड़ा अचीवमेंट मिला कि लास्ट ईयर इनकम टैक्स कमिश्नर वीरेंद्र ओझा सर की बुक लॉन्च इवेंट था कुछ शब्द मेरे, उसको मैंने कोऑर्डिनेट किया। उसमें जो चीफ गेस्ट थे अमिताभ बच्चन सर थे। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई। और अभी मैं मुंबई में एज एन एक्टर हूँ। अभी एक वेंचर शुरू किया मैंने 9 लिम्स करके, जिसमें 9 आर्ट फॉर्म्स को मैंने क्लब किया है, थिएटर, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, सोशल मीडिया, फिटनेस। उसके थ्रू मैं वर्कशॉप, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और पैरेलली एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो बस सबको थैंक्स करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस आप लोग के आशीर्वाद से मैं इसको आगे ले जाऊँ। और अब तक जो मैं आगे आया हूँ, मुझे सपोर्ट मिला है मेरे पापा अजय जेटली जी का, उनकी वजह से, उनके आदर्शों पे मैं पालन कर रहा हूँ, उनकी वजह से मैं इतने सपोर्ट से मैं आगे आया हूँ। मेरे रोल मॉडल मेरे पापा रहे हैं, और क्योंकि वो भी एक बहुत रिनाउंड, बहुत बड़े इंडिया के आर्टिस्ट हैं, तो मैं हमेशा बचपन से उनको देखते देखते कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी इस जर्नी को मैं आगे ले जाऊँ। बाकी पूरे प्रयागराज का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। लव यू ऑल एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन प्रयागराज न्यूज़। थैंक यू सो मच।